अजमेर में आए आप, क्या खास कोई कार्यक्रम में आना हुआ सर आपको? मैं आज यहाँ इनकम टैक्स हब का उद्घाटन करने के लिए आया था, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है CBDT उनके आमंत्रण में, और अजमेर आया हूँ तो हमारे साथ चौखट का आया। सर आप एक राष्ट्रीय कवि है और माशाल्लाह काफी तारक मेहता से काफी प्रचलित है, ये जो भीड़ आपको देखने के लिए मतलब कंट्रोल नहीं हो रही है, तो ये खुशी आपको मिलती है सर, तो ये किस तरह का अनुभव रहता है? ये बस बार बार ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, ये ऊपर वाले का करम है सर। 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, लेकिन ये माहौल आप देख रहे हैं, ये प्यार किसे मिलता है, ये मोहब्बत किसे मिलता है, ये सिर्फ ऊपर वाले का करम है। मेरा कुछ नहीं, उसने मुझे कुव्वत दी कि मैं कुछ लिख सकूँ। कार्यक्रम में शिरकत किया जी, जी बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आके, क्योंकि एक तो राजस्थान मेरा अपना प्रदेश है और अजमेर जैसी जगह पे आना, और वो भी राष्ट्र निर्माण के लिए, जो कर विभाग है, जो CBDT है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, वो ये जो हब लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से देश में सिर्फ 7 जगह ऐसा हुआ है और राजस्थान में तो पहला ही है। उन्होंने इसके उद्घाटन के लिए मुझे चुना, बड़ी प्रसन्नता है। सर मैं यहाँ तक इनकम टैक्स की बात कुछ हटके पूछूँ, कवि सम्मेलन आप बोलते हैं जी, पेशे से हैं, जो श्रोता और कवि की जो इंटरेक्शन डायरेक्ट होती थी, और जब रचना कवि सुनाता था और सामने छाका आता था जी, अब वो चीज़ टीवी में और उसमें कन्वर्ट हो गए, वो जो डायरेक्ट इंटरेक्शन, किसने कहा डायरेक्ट इंटरेक्शन बंद हो गया, किसने कहा? अब कवि सम्मेलन जो पारंपरिक कवि सम्मेलन जो रात रात होते थे, वो नहीं। परंपरा का मतलब कविता है, परंपरा का मतलब पूरी रात है, पूरी रात, परंपरा का मतलब कविता है, और वो पारंपरिक कवि सम्मेलन आज भी होते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ये आपका मानना, बिल्कुल संख्या में कमी नहीं आई सर, बिल्कुल भी नहीं आई, आज भी कवि सम्मेलन उतने ही होते हैं, और मेरे ख्याल से उल्टे छोटी जगहों पे तो ज्यादा हो रहे हैं। जो बीच मैं खुद 1984 में पहली बार यहाँ कविता पढ़ने आया था अजमेर में, तो कवि सम्मेलनों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ी है। तो जो स्टैंड अप कॉमेडियन आ रहे हैं उनमें, मैं खुद कवि हूँ, गीत लिखता हूँ, एक आसानी बन गया कवि सम्मेलन, तू मुझे बुला मैं तुझे बुलाऊं वाली परंपरा। ये आपका सोचना होगा, अगर तू मुझे बुला मैं मुझे बुला होता तो आज मैं यहाँ थोड़ी होता, ऐसा नहीं होता। आप हवाओं को मुठ्ठियों में कैद नहीं कर सकते, आप खुशबुओं को रुमाल में नहीं बांध सकते, ऐसा नहीं होता। और ये कॉकस होना, राजनीति होना, ये एक बहाना हो सकता है, अगर प्रतिभा है तो वो अपना स्थान जरूर बना। अब कभी पर्टिकुलरली पार्टी बेस को होकर नहीं, देखिए इंसान है तो किसी न किसी विचारधारा से तो मुत्तफिक होगा ही, अब वो किसी से भी हो सकता है, इंसान है तो आप उसकी विचारधाराओं को तो वो कहीं ना कहीं तो उसकी कोई ना कोई विचारधारा तो होगी। सर जो स्टैंड अप कॉमेडियन आ रही है किस नजर से? देखिए विधा है वो भी एक, वो भी विधा है, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर उसमें जो गाली गलौच का जो प्रयोग है ये बिल्कुल, और जो अशोभनीय भाषा है ये स्वीकार्य नहीं है। इसके जनता को बोलना है, देखिए बोलना किस तरह से, कोई तो सुन रहा होगा ना कि वो सुना रहे हैं, आप किन्हें कहेंगे, क्या कहेंगे, कोई तो सुन रहा होगा ना कि वो सुना रहे हैं, कोई तो है ना जो उन गालियों पे ढाके लगा रहा है, कोई तो है जो अशोभनीय भाषा में तालियां बजा रहा है। मैं क्या कहूंगा, देखिए ये निर्णय इस संबंध में नहीं, और ये निर्णय आपका खुद का होता है, आप क्या पढ़ें, क्या लिखें, क्या देखें, क्या खाएं, ये निर्णय तो मेरा खुद का है। और आम श्रोताओं से कुछ कहना? बस यही कहूंगा कि जितना अच्छा सुन सके सुने, जितना अच्छा पढ़ सके पढ़ें। सर एक सवाल तारक मेहता से होगा जी, तारक मेहता का शो जो है आपकी वजह से बहुत पॉपुलर है, ये एक उसको सर छोड़ने के लिए? छोड़ने का रीजन तो बता दिया मैंने, बहुत बार बता दिया, और टेलीविजन पे इंटरव्यू तो बहुत बार बता दिया, बहुत वो आत्मसम्मान की बात थी इसलिए छोड़ दिया। राजस्थान का जो माटी है ना, हमारे खून में तो आत्मसम्मान जो है वो पहले माँ पर जो आप मानते हैं, अरे वो फिर कभी कवि सम्मेलन में आऊंगा सुनाऊंगा, अरे कवि सम्मेलन में आऊंगा तब सुनाऊंगा, नहीं 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 चलिए अभी।